नमस्ते मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा सभी विद्यार्थी जो इस एपिसोड को देख रहे हैं सभी शिक्षक गण जो इस एपिसोड को देख रहे हैं सब जीवन में आनंदित रहना चाहते हैं ऐसा कोई नहीं है जो जीवन में दुखी होना चाहता हो हमने वी हैव रीच्ड मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारे शिविरों के माध्यम से वर्कशॉप्स के माध्यम से टीवी चैनल्स के माध्यम से वीडियोस के माध्यम से और हर किसी से जब भी पूछो आप क्या चाहते हो कौन कौन सुखी होना चाहता है हु इज़ हु वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ सो एवरी वन रेज देयर हैंड आई वॉन्ट टू बी हैप्पी इन लाइफ और फिर पूछो इज देर एनी वन हु वॉन्ट टू बी अनहैप्पी इन लाइफ हु वॉन्ट टू बी अपसेट इन लाइफ कोई हाथ नहीं उठाता है यानी कि दुखत्र निवृत्ति स्वरूपानंद वापतिश्च हम सब जीवन में खुश होना चाहते हैं खुश रहना चाहते हैं आनंदित रहना चाहते हैं बट कभी कभी हम अननेसेसरी स्ट्रेस ओढ़ लेते हैं और स्टडी स्ट्रेस उसी तरह का एक स्ट्रेस है किसी भी तरह का स्ट्रेस अननेसेसरी होता है क्योंकि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहनशाह तो हमें जीवन में हमारी रूट नेचर में स्थित होना चाहिए और हमारी रूट नेचर वही है जो हम चाहते हैं प्राप्त करना यानी आनंद ब्लिस हैप्पीनेस वी ऑल वांट टू बी हैप्पी एंड योग इज़ दी ओनली पाथ दैट कैन लीड अस टुवर्ड्स हैप्पीनेस स्टडी स्ट्रेस से इंस्टेंट रिलीफ पाने के लिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि तुरंत के तुरंत आपका स्ट्रेस दूर हो जाए हुँ? ये चार बहुत आसान सी क्रियाएं हम आज सीखेंगे और इन चार क्रियाओं का अभ्यास आप दिन के किसी भी समय कर सकते हैं यस यू हर्ड इट एब्सोल्यूटली राइट हमारी जो योग प्रैक्टिस होती है योग अभ्यास होता है दैट शल बी डन एम्प्टी स्टमक इधर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग पर जो क्रियाएं हम इंस्टेंट स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आज इस एपिसोड में समझ रहे हैं वो क्रियाएं हम दिन के किसी भी समय कर सकते हैं और इंस्टेंटली उसका रिजल्ट भी देख सकते हैं यानी जब आप बहुत स्ट्रेस में हो या बहुत नर्वस हो आपको अचानक किसी स्टेज प्रेजेंटेशन के लिए जाना है आप बहुत परेशान हैं किसी वजह से कोई इमोशनल डिस्ट्रेस चल रहा है या कोई और कारण है जो आपको परेशान कर रहा है आप तभी के तभी ये चार प्रैक्टिसेस करो इट वॉन्ट टेक मोर देन फोर मिनट्स और आप देखेंगे इंस्टेंटली आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा आप काम डाउन हो जाएंगे क्या करना है सबसे पहले स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए स्ट्रेस को दूर करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं स विच इज़ नोन एज योगा लाफ एट द टाइम ऑफ एट द क्रूशल टाइम ऑफ पैंडमिक वील्ड मिलियंस ऑफ पीपल वी रीच्ड आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल और तब हमने उनके ऑक्सीजन लेवल्स को भी इस बहुत आसान सी प्रैक्टिस से बढ़ाया था क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं सबसे पहले आपकी ब्रीदिंग इफेक्ट होती है होती है ना जब स्ट्रेस में होते हो बहुत तेज तेज हम सांस लेने लगते हैं छोटी छोटी सांस हो जाती है हमारी है ना जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है तो पहले पैंडमिक के समय पर हमने देखा कि ऑलरेडी आप बीमार हैं ऊपर से जैसे आपको पता लगा आप पॉजिटिव हैं आप के अंदर स्ट्रेस आ गया और आपकी ब्रीदिंग डिफ्रेंशिएट कर गई नॉर्मल ब्रीदिंग से ऑक्सीजन की कमी वैसे ही हो रही थी तो तब हमने उन्हें ये प्रैक्टिस करवाई जो आप अभी सीखेंगे क्या करना है एट एनी टाइम ऑफ द डे वी कैन प्रैक्टिस इट जस्ट ओपिनयर आर्म्स यू कैन डू इट वाइल्ड सिटिंग और वाइल्ड स्टैंडिंग बैठ कर खड़े होकर के दोनों तरह से कर सकते हैं दिन के किसी भी समय में कर सकते हैं और दिन में पाँच बार हमें ये ज़रूर 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 करना है जस्ट ओपन ओर आर्म्स हाँ और अपनी उंगलियों को चारों दिशाओं में खोलेंगे एबडामिन को एकदम लूज़ छोड़ेंगे चेस्ट को एकदम लूज छोड़ेंगे और स्थिति में आकर के 30 seconds of free laughter so how do we do that one two three <laughs> and then bring your hands down now this is very important that you stay quiet stay still for a few couple of seconds just after this practice बिल्कुल इस प्रैक्टिस के ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर बंद आँखों के साथ रुकना एंड देन जेंटली ओपन योर राइट्स क्यों रुके हम हमारे सभी स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थी इस चीज़ को जरूर ज़रूर समझें यू नो अर्थ इज राउंड जो भी सर्कल लाइफ इज अ सर्कल लाइफ इज नॉट अ लाइन तो जो सर्कल होता है ना उसमें जो हम देते हैं वही लौट करके आता है ऐसे ही हमारे खोपड़ी राउंड हमारा तालू राउंड और कुछ के यहाँ भी राउंड जो नहीं होना चाहिए रेगुलर प्रैक्टिस करके योगाभ्यास करके ख़त्म करेंगे वाई राउंड बिकॉज इन अ सर्कुलर थिंग ये थ्योरी तो आप सबने पढ़ी होगी वट एवर यू गिव दैट रिटर्न बैक्स टू यू दैट कम्स बैक टू यू सेम इज़ विद लाइफ सो वट एवर यू गिव यू गेट इट बैक यू गिव स्ट्रेस यू गेट स्ट्रेस यू गिव टेंशन यू गेट टेंशन यू गिव हेट्रेड यू गेट हेट्रेड यू गिव वरीज यू गेट वरीज

when you practice at tahaas what you give you get it back so stay quiet stable for a couple of seconds so that same laughter same happiness showers back on you दिन में पांच बार इसका अभ्यास करेंगे ही करेंगे और देखो जब तुम ऐसा करोगे तो आसपास तुम्हारे जितने लोग बैठे ना वो भी हंसने लगेंगे और आपके आसपास एक हेल्दी एन्वायरमेंट क्रिएट होगा लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी ग्लोइंग स्किन होगी यू विल लुक ब्यूटिफुल यू विल बी शाइनिंग एंड यू विल बी लुकिंग यूनिक डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन सो दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिस इज टू से गुड बाईट यूर स्ट्रेस ना लेट्स कम टू सेकेंड प्रैक्टिस सेकेंड प्रैक्टिस इज ब्रैथ अवेयरनेस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न सी वी ऑल आर ब्रीदिंग देर इज़ नो वन नो वन अ लाइव हु इज़ नॉट ब्रीदिंग राइट और इज देर एनी वन हु इज़ नॉट ब्रीदिंग एवरीबडी इज ब्रीदिंग राइट बट रेयरली वी रिमेंबर दट वी आर ब्रीदिंग हम सांस तो ले रहे हैं पर चौबीस घंटे में ट्वेंटी फोर आवर्स हमें याद भी नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं है ना और जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं सबसे पहले हमारी सांस डिस्टर्ब होती है तो हमें क्या करना है ऐसे आप वज्रासन में बैठेंगे वज्रासन में नहीं बैठ सकते क्रॉस लेग पोजिशन में बैठेंगे वो भी नहीं बैठ सकते चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं स्कूल में अगर आपको एकदम से कोई सडन स्ट्रेस आता है काम करते हुए कोई प्रेजेंटेशन देते हुए जस्ट फ्यू सेकंड्स ऑफ स्टिलनेस एंड वट वी हैव टू डू इज कीप योर लेफ्ट पाम ऑन योर एबडाम एंड राइट पाम ऑन योर चेस्ट and we'll be doing three rounds of chest breathing three rounds of abdominal breathing that's it very very simple okay we do chest breathing keep your spine straight inhale through your nose and feel the expansion of your chest when you inhale final position mein mira chest expand ho gaya hai abdomen squeeze ho gaya hai exhale face shall be absolutely calm Again, inhale. Exhale. Simple. So, we are going to do it at least for four to five times. Then, we'll be doing abdominal breathing. How do we do that? In the same position, feel the expansion of your abdomen when you inhale and contraction of your abdomen when you exhale. okay, so my chest was stable and only abdomen, abdominal movement was there while inhaling and while exhaling. and then relax your hand. very simple practice. so now when i'm teaching you, i'm explaining it to you, it might take a little bit of time when you will be doing it by yourself. rarely it will take three minutes for all or four minutes for all of these four practices. Yeh clear hua third practice. Par. थर्ड प्रैक्टिस है आनंद मदिरा आसन आसन मीन्स अ स्टेबल पॉस्चर मैं कहते हैं ना आसन ग्रहण करो आसन ले लो यानी स्थान ग्रहण करो यानी स्टेबल हो जाओ यानी स्टेबल पॉस्चर में बैठो ठीक है ना तो आसन मतलब एक स्टेबल पॉस्चर और आनंद मदिरा आनंद मीन्स ब्लिस एंड मदिरा तो यू ऑल नो बट दिस इज नॉट दैट मदिरा कहा गया कि जिसको योग के आनंद की मदिरा चढ़ जाए उसके ऊपर बाकी सारी मदिरा फीकी हैं सो दिस इज द रियल ब्लिस दैट वी गेट थ्रू दिस डिवाइन एंशियन साइंस ऑफ योग सो हाउ डू वी डू आनंद मदिरा आई शुड टू यू फ्रॉम साइड सो दैट यू कैन डू इट ईजिली सो सिट इन वज्रासन कैसे है वज्रासन देख रहे हो मेरे um, uh, दोनों टोज एक दूसरे के ऊपर हैं, हील्स खुली हुई हैं और उस पर हमने अपने हिप्स को टिका रखा है ठीक अब हम अपने हथेलियों से अपने टखनों को पकड़ लेंगे ऐसे और ऐसे पकड़ेंगे कि फिंगर्स बाहर थम इन साइड यू कैन सी माई हैंड क्लियरली नाउ कीपिंग य स्पाइन स्ट्रेट बेंड योर नेक बैकवर्ड एंड योर आइज बस इस स्थिति में बैठना नो फोर्सफुल इनहेलेशन नो फोर्सफुल एक्सलेशन एंड ब्रिंग योर कॉन्सेंट्रेशन एट द मिड ऑफ योर आईब्रोज और यहाँ पर वट एवर थाट इज कमिंग लेट इट कम वट एवर थाट इज गोइंग लेट इट गो न किसी विचार को इन्वाइट करना है न किसी विचार को हटाना है थोड़ी देर रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ

Then bend your neck forward. Now you will be feeling the pressure of your fist at your underarm. That is absolutely okay. And now concentrate at the tip of your nose, keeping your eyes closed. While doing it, don't bend forward. No. Your back has to be straight. Just bend your neck forward and bring your concentration at the tip of your nose.

Jre Perkuitaavni, no sign of tension on your face, and then gently lift up your face, bring your hands down and relax. Sometimes we are so much clustered in traffic of thoughts, especially youngsters. We want to remove so many thoughts from our mind. We some way want to just want these thoughts to go. बिकॉज um, हमारे बहुत सारे uh, हमारे आश्रम के हमारे संस्थान के बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं हमारे विशेषज्ञ कराते हैं समटाइम्स आई ऑल्सो जॉइन टू टीच देम एंड देन देर आर सो मैनी यंगस्टर्स वो आज काचार्य जी इतना क्लस्टर ऑफ थाट्स है उसे हटाना है क्या करें तो हमने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी बहुत पहले जितना तुम्हें भुलाना चाहती उतना और करीब आ जाती जितना तुम्हें भुलाना चाहती उतना और करीब आ जाती मोर यू वॉन्ट टू रिमूव थाट

ये बहुत आसान सी चार क्रियाएं चार मिनट लेंगी प्रतिदिन हमारे सभी विद्यार्थी करेंगे ऐसी बहुत सारी और वीडियोज़ आपके लिए मोक्षायतन योग संस्थान और बाल भारती का ये जॉइंट इनिशिएटिव लेकर के आएगा और भी अनेक अनेक वीडियोज़ आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल भारत योगा यूट्यूब चैनल पर और वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी स्मॉल लेट्स कनेक्ट थ्रू सोशल मीडिया एट द रेट आचार्य प्रतिष्ठा जी फेसबुक इंस्टाग्राम कू ऐप ट्विटर एंड सो मेनी अदर्स लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड